हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ DIY प्लानर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मेरे मिनीजों के टूर एंड हॉल में कि उनको DIY प्लानर देखना है, तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए अपना प्लानर कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को मेंटेन करती हूँ और कैसे मैं अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखती हूँ। तो पहले मैंने एक डायरी लिया है ओल्ड सा, आप कोई भी नोटबुक ले सकते हो, कोई भी पुराना डायरी ले सकते हो। तो मैंने एक डायरी ले लिया है। अब उसके साथ में मैंने ऐसे कलरफुल पेपर्स लिए हैं, तो ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, 5 रुपीस का एक मिलता है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। देन एक स्केल लिया है और कुछ स्टिकी नोट्स मैंने लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने ऐसा फेवी स्टिक लिया है, फेविकॉल ले सकते हो, कुछ कोई सा भी ग्लू अप ले सकते हो। देन आप स्केच पेन ले सकते हो, कलरफुल पेन ले सकते हो, और एक सीजर है मेरे पास। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो मेरी डायरी है तो इस तरह के पेजेस आपने देखा होगा जो ओल्ड डायरीज होती है उसमें रहते हैं, तो इन सबको मैं स्टिक कर दूंगी साथ में। अब मैंने कलरफुल पेपर लिया है अपने फ्रंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, तो उसको मैंने उसके साइज का कट कर दिया है, और अब मैं इसको फेविस्टिक की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। उसके ऊपर मैंने ये स्क्वायर शेप का कलरफुल पेपर में से कटिंग किया है, और उसके ऊपर मैं अपनी हेडिंग जो भी मुझे डालना है, प्लानर रूलर 2018 गुड वाइब्स ओनली, ऐसा मैंने डाल दिया है। अब आते हैं हम लोग इसके फ्रंट पेज से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं डालूंगी कीज। तो ये मैं पूरा इस तरह से डेकोरेट करके बना रही हूँ। अगर आपको एकदम सिंपल सा चाहिए तो आप सिंपल सा भी बना सकते हो, बट बिकॉज आई लाइक इन दिस वे। और मैं ये क्रेयॉन्स भी पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने, मुझे कलरफुल थोड़ा पसंद आता है, तो मैं इसलिए ऐसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रही हूँ उसको खुद से। तो ये सेक्शन जो है ये कीज का रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लानर के स्टिकर्स होते हैं, तो ये आपको किसी भी स्टेशनरी के शॉप्स में मिल जाएंगे। तो ये मैं लेकर के आई थी मिनीसो से, और यहाँ पर अब मैं इसको स्टिक करना स्टार्ट करूँगी। और मैं ये डिसाइड करूँगी कि किसका, किसको मैं क्या इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। सब अलग अलग हैं, मतलब कुछ मेरे काम के हैं, कुछ मेरे काम के नहीं हैं, बट मैं सबको अपने अकॉर्डिंग इंडिकेट किसको मैं कैसे करूँगी वो मैंने इसमें बताया। जैसे फर्स्ट वाला है चेक ईमेल, देन है बाय, देन आउटिंग, शूट, एक्सपेंस, फूड, अर्जेंट है, और उसके बाद इसका मतलब होता है टास्क कंप्लीटेड। तो मैंने इस तरह से सबके कीज इंडिकेटर्स लगा दिए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे प्रिंटेबल अपना एक कैलेंडर लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जुलाई से लेकर के दिसंबर का बना रही हूँ, बिकॉज एक ऑलरेडी प्लानर जो था वो मेरा जून तक का था जो फिल हो चुका है, और 6 मंथ का मैं इसमें बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपना पूरा कैलेंडर बनाऊंगी खुद से। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर मैंने एक कलरफुल पेज में से येलो कलर का शीट लिया है और इस तरह से पूरा एक पेज पे लगा दिया है। देन मैं स्टिकी नोट ले रही हूँ और पूरे स्टिकी नोट पे पूरी तरह से ग्लू लगाऊंगी, और इसको मैं अभी जुलाई मंथ, मतलब ये मैंने मंथ का स्टार्ट किया है इस तरह से। तो इस पेज पे मैं लिख रही हूँ, जैसे मैं YouTube का काम करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है YouTube वीडियो आइडियाज़। तो जो भी मुझे आइडियाज़ आते हैं वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है आप वहाँ पर लिख सकते हो। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या वर्किंग वुमन हो, या आप हाउस वाइफ हो, तो जो भी आप काम करते हो आप उस पेज पर लिख सकते हो। देन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा थॉट लिखा हुआ है, और नीचे अगेन मैंने जुलाई का एक छोटा सा कैलेंडर बनाया हुआ है पूरा मंथ का, ताकि मुझे ध्यान रहे कि कब संडे आने वाला है, कब मंडे आने वाला है, बिकॉज घर से काम करते टाइम जनरली आप ये भूल जाते हो कि कब संडे है, कब मंडे है, कब ट्यूजडे है, तो ऐसा होता है। उसके बाद मैं डेकोरेट करने के लिए कुछ नहीं ले रही हूँ, ये मैंने ईयरबड लिया है और इससे मैं पूरा ऐसे डेकोरेट करूँ। इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर अब मैं अपना वीकली प्लानिंग डिसाइड करूंगी, मतलब डिसाइड उसके सेक्शंस बनाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने जुलाई लिखा है, अब मैं मंडे टू संडे का पूरा पूरा वीक लूंगी, जैसे 2 से लेकर के 8 तक मंडे टू संडे आ रहा है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, पूरे वीक के ऐसे बॉक्सेस बना दिए हैं, मतलब एक मंडे का है, ट्यूसडे का है, देन एक वेनेसडे का है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर मैं अपने टू डू नोट्स, क्या क्या मैं करने वाली हूँ किस दिन, वो मैं इसमें डालूंगी। तो ऐसे मैं पूरा वीकली बनाती हूँ, और अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे डेकोरेट कर सकते हो। तो ऐसे मैं पूरे वीक का बनाती हूँ, देन लास्ट में जैसे 30, 31 को मेरा एंड होता है, तो जो लास्ट आता है ये मैंने 9 to 15 का बना दिया, देन 16 to 22 का बनाया, 23 to 29 का बनाया, 30 to 31 से 2 boxes, मतलब मंथ में यहाँ पे एंड करूँगी। एंड मंथ के एंड में आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल थी और मैंने क्या क्या अच्छा काम किया, वो सारी चीज़ों का मैं लिखूँगी। लिखना चाहिए ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ऐसा टास्क ट्रैकर बना करके रखा है, जैसे मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद हेयर केयर ट्रीटमेंट का मुझे लेना है, फेस का केयर, मैं ये सब क्योंकि भूल जाती हूँ, काम में इतना बिजी हो जाती हूँ, तो मैंने इसका ट्रैकर बना के रखा है कि मुझे टाइम से करना है कि नहीं, और किस दिन मैं करने वाली हूँ, तो मैं टिक मार्क लगाऊंगी। एंड साथ में मैंने बजट एक्सपेंस भी बना करके रखा है कि मैं क्या क्या खर्चा करने वाली हूँ, वो सब मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, लाइक जो भी चीज़ें हैं। तो अभी आते हैं इसको फिल करने के ऊपर। तो जैसे देखिए आपने, मैंने ट्यूसडे में लिखा हुआ है कि मुझे वीडियो शूट करना है, कुछ अर्जेंट काम करना है, तो मैंने अर्जेंट के वहाँ पर जो अर्जेंट वाला टैग है वो लगा दिया है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सपोज ये मंथ का मैंने बनाया है, और बॉक्सेस ना बना करके, ड्रॉ ना करके, आप इस तरह के स्टिकी नोट्स लगा दीजिए, और मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत कम टाइम लेगा, हार्डली आपको 10 to 20 मिनट के बीच में आपको ये सारा काम हो जाएगा, और बहुत अच्छा भी दिखता है, कलरफुल भी दिखता है, और फटाफट से हो जाता है, आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है अभी मेरा पूरा प्लानर रेडी हो चुका है, तो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लगाया है द प्लानर बिलोंग्स टू, और ये मेरी पूरी कीज हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, ईमेल चेक करना है, देन मुझे आउटिंग पे जाना है, टास्क कंप्लीटेड, पेंडिंग, एडिटिंग, मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, इमेज के अकॉर्डिंग नहीं किया है। उसके बाद ये मेरा इंडेक्स है, और ये जो आप रेड पेन से सर्कल्स देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन पे पर्टिकुलरली मुझे कुछ काम करना है, वो वाली डेट्स है ये। देन उसके बाद जुलाई का मैंने आपको दिखाया ही था पूरा डिटेल में कि किस तरह से है ये। देन उसके बाद मैंने ये मंथली पूरा वीकली बना करके रखा है मंथ के अंदर, कि आप डेज पे बनाना चाहते हैं तो आप डेज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं हर दिन का, बट मुझे वीकली ठीक लगता है तो मैंने वीकली बनाया है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें कब कब करी हैं, देन बजट में मैंने लिखा हुआ है कि मुझे सैलरी देनी है अपनी मेड को, देन कुक को देना है, तो उसके अकॉर्डिंग। देन मैंने अगस्त में, आप देखो, मैंने पूरा एक बड़ा कैलेंडर बनाया है, तो इसमें मैं ये और स्टिकर्स लगा दिए, जैसे 2 को मुझे ईमेल पर्टिकुलरली किसी को भेजना है, तो अगर मुझे 4 को शॉपिंग पे जाना है, 5 को मुझे कहीं बाहर डिनर पे जाना है, देन 22 को इंपॉर्टेंट डेट मैंने ऐसे नोट करके रखी है, 24 को फ्लाई अगर मुझे कहीं जाना है ऐसा। देन यहाँ पर मैंने YouTube वीडियो आइडियाज का एक वो सेक्शन दिया है, देन एक टू डू लिस्ट दिया है। उसके बाद दिस मंथ गोल्स, मतलब इस मंथ मेरे क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं वो मैं पहले से ही नोट करूंगी। और उसके बाद अगेन, अगर आपको कलरफुल नहीं चाहिए तो ये बहुत सिंपल सा है, सिर्फ मैंने बॉक्सेस बनाए, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, नॉर्मली बनाया हुआ है। उसके बाद टास्क ट्रैकर्स एज यूजुअल बनाया, बट कलर्स नहीं करे, तो ये भी बहुत डिसेंट सा, सोबर सा लगता है। देन मंथ का रिव्यू मैंने किस तरह से किया है, मेरे क्या क्या फेवरेट मोमेंट्स हैं मंथ में, वो मैं नोट डाउन करूंगी। उसके बाद मैंने क्या क्या बिगेस्ट अचीवमेंट किया है उस मंथ में, एंड उसके बाद वेज आई एम्ब्रेस्ड माई क्रिएटिविटी। उसके बाद है नेक्स्ट सेप्टेम्बर का, तो अगेन मैंने बड़ा कैलेंडर बनाया, ये ज़्यादा हैंडी होता है बड़ा कैलेंडर, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था छोटा बना करके, जनरली मैं बड़ा ही बनाती हूँ। अगेन वही मैंने फॉलो किया YouTube वीडियोज़, टू डू लिस्ट, एंड इसमें मैंने स्टिकर्स लगाए जो मैंने आपको बताया था, स्टिकी नोट्स लगाए हैं, कोई कटिंग वटिंग नहीं करना रहता, बस स्टिकी नोट लेके आ जाओ कलरफुल एंड उसको लगा दो। तो
बस यही था. एंड एक और चीज़, अगर आप नहीं बनाना चाहते इस तरह से मैनुअली, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है या आप बहुत बिजी रहते हैं और आपको कुछ क्विक एंड चाहिए, तो बहुत सस्ते, आप मार्केट से मत खरीदें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं. तो मैं आपको यहाँ पर अभी नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगी, तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आपको बने बनाए प्लानर मिल जाएंगे. आप सिर्फ प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो आपको हार्डली 100 रुपीज़ के अंदर अंदर पूरा मिल जाएगा. तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे ये प्लानर है, तो इतना ब्यूटीफुल प्लानर लगता है. आप चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करा सकते हैं और चाहे तो कलरफुल प्रिंट आउट करवा सकते हैं. सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. बस ये है कि जब आप इसको शेयर करते हैं तो इस तरह से आपके मेल पे कंफर्मेशन आता है. आप इस मेल पे जाएंगे तो मेल पे जाने के बाद आपको ये ऐसे लिंक्स आ जाती है. तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ. तो ये देखिए सब कुछ बना बनाया है. दिस प्लानर बिलोंग्स टू, फिर जनवरी मंथ का पूरा डेट्स दिए हुए हैं, देन थिंग्स टू डू, देन दिस मंथ गोल्स भी इसमें दिया हुआ है, उसके बाद वीकली दिया हुआ है. तो या तो आप पूरा ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और या तो आप चाहें तो पेज वाइज जो जो आपको चाहिए एक पर्टिकुलर एक एक मंथ का करवा सकते हैं. देन बहुत ब्यूटीफुल थॉट्स भी इसमें दिए हुए थे हर मंथ के लिए. तो बस यही था मेरा वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक्स चेक करना ना भूलेगा. तब तक के लिए बाय.